अगर मैं कुछ कह सकती हूं तो केवल ये कि कमाल है भाई, कमाल है। क्योंकि पहले आपको सुना रही हूं कि क्या कहा धर्मपुर विधायक विनोद चमोली जी ने, और ये बात है स्मार्ट सिटी के बारे में। 2016 में जब स्मार्ट सिटी के बारे में पहली बार हम लोगों को पता चला गया तो हमसे हमारे सजेशंस भी मांगे गए थे। आज वो अधिकारी जो सचिव के पद पर बैठे हुए हैं और बहुत सीनियर हो चुके हैं, उस वक्त वो जब वार्ता कर रहे थे तो एक बात को समझ गए थे कि उत्तराखंड की जो जनता है वो उनसे क्या कह रही है। और देहरादून की जनता चाहती थी कि जो हमारे को ऑप्शंस दिए गए थे, चार ऑप्शंस थे, उसमें से जो ऑप्शन रेट्रोफिटिंग का था, हम चाहते थे कि वो वाला मॉडल उत्तराखंड के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यूज करा जाए। लेकिन क्योंकि रेट्रोफिटिंग में जो हमारा जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारी धरोहर है, वो बच सकती थी। तो सुनिए कि इन्होंने क्या कहा, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है स्मार्ट सिटी के मैटर में, और मैंने समय समय पर बातें उठाई हैं कि जो ओरिजिनल DPR था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला। मैंने कहा जो DPR हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सेंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं? वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का पूरे जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल रोड पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा, माननीय मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल DPR है उस DPR को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कहाँ कहाँ लैप्सेस हैं। ये समझ में आया कि अधिकारी ने यहाँ पर क्या किया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उचित हो कि इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए, जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, और जो अधिकारियों ने इसमें मनमानी की है, जो डेविएट किया है उस पूरे जो प्रपोजल हमारा था, जो प्रोजेक्ट था, तो उन अधिकारियों को भी कम से कम आगे के लिए दंडित होना चाहिए, कम से कम उनके CR में ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि आगे चल के ऐसे अधिकारियों को ऐसी जिम्मेदारी का काम ना सौंपा जाए और शहरों का कोई छत्यानाश न करे। तो ये बड़ा मामला है, इस मामले को उठाना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी परेड ग्राउंड पे उस दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, पता नहीं सही गलत क्या है उसमें, 38 करोड़ रुपये उसमें लगा, बता रहे 38 करोड़ रुपये बता रहे, वो अखबार में पढ़ा मैंने, मुझे तो सीधे बात तो नहीं हुई, तो देखना चाहिए आखिर क्या हुआ है। तो ये पूरा बाकायदा एक बड़ा इशू है और जांच का विषय बनेगा यहाँ। तो सुनिए, आपने विधायक विनोद चमोली उस वक्त मेयर थे, और मेयर रहते हुए जब इनसे वार्ता हुई, और मुझे याद है कि मेरी खुद भी एक बार वार्ता हुई थी जब मैंने भी ये कहा था कि रेट्रोफिटिंग मॉडल ही लिया जाना चाहिए, उस समय जो इसके एक अधिकारी बनाए गए थे वो मीनाक्षी सुंदरम जी थे, और मधुबन होटल में एक मीटिंग के दौरान जब मैंने उन्हें कहा कि उनकी वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें जो वो बता रहे हैं उन वो काम नहीं कर रही हैं, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे चैलेंज भी किया था कि भाई आप उतने वोट्स ले आओ तब हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, और लोग अगर वोट नहीं करें तो हम क्या करें। तो जो चार मॉडल्स थे उनमें हमने रेट्रोफिटिंग मॉडल चुना था, और लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग सब बाहर निकले। और मुझे याद है उस वक्त रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, एक फ्रंट बनाया था हमने RWAs का, उसको हेड कर रहे थे स्वर्गीय डॉक्टर महेश भंडारी जी। मैं उन्हें बचपन से जानती थी, इसलिए मुझे पता है कि किस मेहनत से उन्होंने काम किया। उस वक्त वेलम गर्ल्स की फॉर्मर प्रिंसिपल लेट श्रीमती शांति वर्मा जी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सब सामने आए, सब ने अपने सुझाव दिए, फिर हमने लोगों को जागरूक किया, और बहुत कम समय रह गया था, और उसमें हमने बहुत वोटिंग भी कराई और रेट्रोफिटिंग मॉडल को अप्रूव भी किया गया था। तो हमारे यहाँ से रेट्रोफिटिंग मॉडल को बोला गया था कि लागू किया जाएगा, जिसके तहत पुरानी बिल्डिंग्स जो है उनको ठीक किया जाता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उसके
पूरी तरह से विपरीत था। और पैसे की जो जिस तरीके से खर्चा किया गया वो आपने सुनी लिया है कि उस पर सवाल उठा रहे हैं विनोद चमोली जी। तो फैक्ट तो ये है कि जो भी बातें कही गई उस वक्त हमसे वार्ता करी गई नागरिक होने के नाते, लेकिन फीडबैक लेने के बाद हमारे को कहा गया हाँ ये वाला मॉडल लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज तो ये बात साफ हो गई है कि इनके अपने विधायक और पूर्व में देहरादून के मेयर रहे विनोद चमोली जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो भी खुश नहीं है इससे। लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इसको अपना प्रोजेक्ट बताया था, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को, और बहुत उस समय उसके बारे में बातें कही जाती थी और प्रधानमंत्री की तरफ से आती थी। मुझे याद है कि देश के अन्य भागों में कई अफसर ऐसे थे जिनसे हमने बात भी करी थी उस समय, लेकिन हुआ क्या, हमसे बात करने का दिखावा किया। तब तक प्रधानमंत्री जी इतना तो स्वांग करते ही थे कि भाई हमारी बात सुन ली जाए, और ये था कि शायद उस मॉडल को लागू भी कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से सब चेंज हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी तो अधिकारियों की भी है कि उन्होंने क्यों नहीं एम्फसाइज किया इस बात को कि जो मॉडल अप्रूव करा गया था, जिसके लिए अग्रीमेंट करना था, वो अग्रीमेंट आखिर क्यों नहीं हुआ। और पलटन बाजार के बारे में भी इन्होंने एक बात कही थी अभी विनोद चमोली जी ने, इस बाइट में आपने सुना। पलटन बाजार का ये था कि वहां पार्किंग स्पेस के लिए भी प्रोविजन किया जाएगा, उसको पूरी तरह से ओवरहॉल करा जाएगा और उसको बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक यूनिफॉर्मिटी का एक एंगल था कि वो सुंदर लगने के लिए उसको कैसे बनाया जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। हुआ क्या, इन्होंने वहां पे भगवाकरण जरूर करा कि सारे जो दुकानों के बाहर बोर्ड्स लगे हुए हैं सबको भगवा फाइबर कर दिया, जो भगवा भी नहीं है, जो एक अजीब टाइप का ऑरेंज रंग है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको ये रंग दिखाकर एम्फसाइज करना है कि भाजपा की सरकार है, जो बहुत ही दुखद है। क्योंकि अगर वहाँ पे अच्छी तरह से उस मॉडल को लागू किया जाता, इम्प्लीमेंट किया जाता, तो शायद जो पलटन बाजार है वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी खत्म हो जाती और वो बहुत सुंदर भी लग सकता था। हुआ नहीं, पर अब देखते हैं कि विनोद चमोली जी आपके साथ क्या आगे होता है। मगर आपकी हिम्मत की दाद जरूर दूंगी कि आपने इस बात को उठाया कि जिस बारे में हमने निर्णय लिया था 2016 से लेकर 2018 के बीच में आते आते जो फाइनल करना था वो हुआ नहीं, और कोई और ही मॉडल देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हम सबको मिला, जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता सभी शामिल हैं। दुख की बात है कि आप तब आवाज़ नहीं उठा पाए, आज आवाज़ नहीं उठा पा रहे। आपको भी रास्ता दिखाया है विनोद चमोली जी ने, और उम्मीद कर रही हूँ कि इस रास्ते को देखेंगे, कम से कम उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने शहर के लिए आवाज़ उठाएंगे। देखते हैं कि इतनी हिम्मत कितने भाजपाइयों में है।